फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि आपको 2,000 to 6,000 वर्ड्स लिखने के यहाँ पे $500 मिल रही है, और $500 इंडियन रुपीज में होते हैं 41,337। इसको राउंड फिगर हम कर लेते हैं, यानी कि 40,000 आपको सिर्फ 2,000 to 6,000 वर्ड्स लिखने के यहाँ पे मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीम। अगर आप लोग भी इतनी अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बीच में से अगर आप चीजें मिस कर दोगे और वहीं फिर आप आगे जाके अटक जाओगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो वीडियो अच्छे से पूरी देखना। अगर कोई चीज समझना है तो कमेंट में जरूर पूछना, बट 100% तैयारी के साथ आगे की जो वीडियो में मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं उनको फॉलो करना, तभी आपकी इतनी अच्छी अर्निंग होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग एप्स एंड मच मोर। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे आपको आर्टिकल सबमिशन करके अर्निंग होगी, और जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखो, आपको अगर अपने बारे में ही लिखना हो तो कितना इजी होगा, राइट? क्योंकि आप तो सब जानते हो अपने बारे में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ना दो टाइप की चीजें आप लिख सकते हो। एक एसे टाइप का जो आपका पर्सनल हो सकता है, या हो सकता है आपने रिसर्च की हो किसी चीज पे पर्टिकुलर, रिपोर्टेड हो सकता है, और क्रिटिकल भी हो सकता है, एंड उसमें कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, आप इनको ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे कि दो मैंने ओपन किए थे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक एसे टाइप का इन्होंने लिखा है, जो इनका खुद के ऊपर है। एक स्टोरी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, इनकी खुद की स्टोरी है। आप इसको जब रीड करोगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ठीक है। अब सेकंड वाले पे हम आते हैं, लव सॉन्ग टू कॉस्टको। अब यहाँ पे भी इन्होंने अपनी एक यू नो स्टोरी के टाइप में, स्टोरी के जैसा ही सब कुछ लिखा है। जैसे कि इनकी फैमिली, मतलब कोई भी एक मोमेंट हो आपकी लाइफ का, जो आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है, जो थोड़ा फनी हो या समथिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उस मोमेंट में ना कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ी सीखने लायक हो, राइट। तो आप उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे इन वाले आर्टिकल्स का जो वर्ड होते हैं वो कम से कम 2,000 से ज्यादा 6,000 तक होते हैं। तो 2,000 to 6,000 वर्ड्स का अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो जो कि आपके ही बारे में, आपकी ही लाइफ के बारे में है, तो आपको उस एसे पे, उस आर्टिकल पे $500 की अर्निंग होगी। अब दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब देखिए, ये वाले तो वो थे जो खुद की लाइफ के ऊपर है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको रिसर्च वाले भी मिल जाएंगे, आप इनको भी ओपन करके देख सकते हो। लाइक गूगल पे रिसर्च करके, मैंने बहुत बार ये चीज शेयर कर रखी है कि तीन चार कुछ भी चीज आप गूगल पे शेयर करो, उसमें से तीन चार वेबसाइट में से आप रीड करो, जो आपको वहां से सबसे बेस्ट लगता है उस चीज को अपने आर्टिकल में लिखो और आप सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे रीडिंग लिस्ट भी है जिसमें आपको $350 पर रीडिंग लिस्ट मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक आपने उठा लिया, लाइक रोमांटिक, ठीक है। तो रोमांटिक बुक्स की आप एक लिस्ट बना सकते हो, 10 की लिस्ट बना सकते हो, 7 की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, और वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आर रीडिंग लिस्ट, ठीक है, इस कॉलम में आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, आर रीडिंग लिस्ट फॉर द क्वीर साउथ, ठीक है। हर किसी की एक अलग रीडिंग लिस्ट हो जाएगी। अब इसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने इन चीजों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और साथ ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। आप देख रहे हो इन्होंने जो लिस्ट रेडी की है यहाँ पे, इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आके जब आप क्लिक करके व्यू करोगे ना इन चीजों को, आप और अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो कि आपके लिए और बेटर हो सकता है और अच्छा हो सकता है। देखिए, इसमें सबसे इजी वाला मुझे लगा, जो मैंने सबसे पहले आपको तरीका बताया था, उसमें एक आप ही की लाइफ का मोमेंट आपको लिखना है, जो कि यार ऑब्वियसली आपसे बेहतर उसको कौन जान सकता है ना। आप ही की लाइफ है,
तो आप उसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। बहुत बार क्या बोलते हैं लोग कि मैम हमें ना इसमें बहुत अच्छी लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है, हमें तो नॉर्मल सी आती है। तो आप नॉर्मल सी लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हाई फाई इंग्लिश लिखो, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश भी अगर आप लिखते हो तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिखने हैं अपने आर्टिकल में तो ही वो सबमिट होगा यहाँ पे, नहीं। इवन ये खुद भी चाहते हैं कि थोड़ा जो इंग्लिश हो वो इजी हो ताकि हर किसी को समझ आए, जिसको कम इंग्लिश आती है उसको भी, और जिसको अच्छे से आती है उसको तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा समझ, राइट। तो अपने वर्ड्स में लिखो, कम इंग्लिश आती है, अच्छी इंग्लिश आती है, जैसी भी आपको आती है, अपने वर्ड्स में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करो। अब आपको सबमिट कैसे करना है, कुछ भी जो भी आप रेडी करोगे, तो ये है इनकी ईमेल, इस पे जाके आपको सबमिट करना है। जैसे अगर आप रीडिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो रीडिंग लिस्ट करके कर देना, और अपनी जो रीडिंग लिस्ट आपने क्रिएट की है उसको आप सेट इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, जब ईमेल सेंड करोगे, ओके। और जो भी रीडिंग लिस्ट का एक टॉपिक होता है ना, वो भी आपको अपने किसमें ऐड करना है, जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है, ठीक है, जिससे कि इनको इजी रहे आपकी जो ईमेल है उसको रीड करे ना करे, क्योंकि बहुत सारे बेकार के भी ईमेल्स इनके पास आते हैं ऑब्वियसली। तो आपको ना एक प्रॉपर सेटअप करके भेजना है, ईमेल आईडी ये रही, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, अगर आप रीडिंग लिस्ट के बारे में लिख रहे हो तो रीडिंग लिस्ट, और फिर अपना तब जो टॉपिक है जिस बारे में आपने रीडिंग लिस्ट क्रिएट की है वो लिख देना है, ठीक है। या फिर पहले वो टॉपिक लिख देना जिस टॉपिक पे आपने जो रीडिंग लिस्ट है वो क्रिएट की है, उसके बाद एंड में रीडिंग लिस्ट लिख देना, ठीक है। और इसी टाइप से क्या करना है आपको, अगर आपके मन में कोई क्वायरी आती है तो वो आपको इस वाली ईमेल पे पूछनी है। देखो ये इन्होंने खुद लिखा है कि उनके पास कोई 100-200 लोगों की टीम नहीं है, एक छोटी टीम है उनके पास, और उनको काफी सारे पिचेस सबमिशंस आते हैं रोज की रोज, तो वो हर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ तब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपकी जो सबमिशन है वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगी और वो उसको पब्लिश करना चाहेंगी। तो वो स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सबमिट करने के बाद क्वायरीज पे हजारों मेल्स ना भेजे कि सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई है, आप खुद समझ जाओ। अगर वो सिलेक्ट नहीं हुई है तो आप उस अपना जो काम है उससे और बेटर करने की कोशिश करो, जो आपने उनको एसे या समथिंग रीडिंग लिस्ट जो भी आपने भेजी उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो, और उसके बाद आप उनको दोबारा से भेज सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही बार भेज सकते हो या दो बार भेज सकते हो, आप उनको 10 बार भी भेज सकते हो, बट हर बार आपको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए उसमें, ठीक है। और यहाँ पे जब आप आओगे तो कुछ टिप्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जिनको आप रीड कर सकते हो, जैसे कि ईमेल में कुछ ऐसा जरूर से ऐड करो जिसमें आपकी जो भी एसे है, स्टोरी है या समथिंग जो भी है, रीडिंग लिस्ट है, तो उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है ना, या कुछ ऐसा ऐड करने की कोशिश करो जिनसे ना इनको एक टाइप से समझ आ जाए कि हाँ आपकी जो एसे है या रीडिंग लिस्ट है उसमें एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि ऑब्वियसली ये उस टाइम पूरी रीडिंग लिस्ट रीड नहीं करेंगे, पहले वो आपके जो मेन आप कुछ लाइंस लिखोगे, चाहे वो सब्जेक्ट लाइन लिखो आप, उसको रीड करेंगे। अगर इनको इंटरेस्टिंग लगा तो ये आपकी पूरी पिच को रीड करेंगे, आपके पूरे सबमिशन को रीड करेंगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे आपकी अर्निंग काफी अच्छी खासी हो जाने वाली है, $500, $350, वो भी पर सबमिशन पे, एक बहुत सही अच्छा अमाउंट है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वायरी है फ्रेंड्स, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि वो भी अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर दे ऑनलाइन से। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहें रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग एप्स एंड मच मोर। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।